मीडिया वाले मुझे कोई नेगेटिव कोट करके फिर गाड़ी आगे न चला दें। मुझे बताया गया कि हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। विक्ट्री मार्जिन 5,70,000 इन जनरल इलेक्शन, ये काम बड़ौदा ने कर करके इतिहास में अपना नाम लिखा दिया। मैं इस नया रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए बड़ौदा के मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के इलेक्शन कमीशन को, देश के जागरूक नागरिकों को और देश के निष्पक्ष मीडिया को ये प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में बड़ौदा के नागरिकों ने जो इनिशिएटिव लिए और किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी दल का प्रचार नहीं, किसी सिंबल का प्रचार नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र, मतदाता, मताधिकार और मतदान एक जिम्मेवारी, इन चार मुद्दों को लेकर के बड़ौदा के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने, चैंबर्स ने, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्स पर्सन यानी बड़ौदा के नागरिकों ने मतदाता जागृति का जो अभियान चलाया वो आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक नागरिक के नाते मैं बड़ौदा के इन भिन्न भिन्न और राजनीतिक संगठनों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष मीडिया, देश के निष्पक्ष एनजीओ, इलेक्शन कमीशन, बड़ौदा की सिविल सोसाइटी और एनजीओ की एक्टिविटी का एक दस्तावेज तैयार करके भविष्य के चुनाव में राजनीतिक दलों के सिवाय, सरकार के सिवाय, मीडिया के सिवाय और भी लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका एक उत्तम काम बड़ौदा के किया है। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं और भविष्य में देश के लोकतंत्र की ताकत क्या है उसका परिचय कराने के लिए ऐसा करें, 3,000 लोग वहां से खाली 1,000 लोग देख पाए, आप इधर को आ जाइए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं
मतदाता जागृति का जो अद्भुत काम यहां हुआ है, इसके लिए मैं बड़ौदा को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दिशा दर्शक काम किया है, प्रेरक काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। 26 में से 26 पहले से बोलते थे ना तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते, और मैं बताता हूं 26 में से अगर 25वीं आती ना तो कल हमारी धुलाई हो जाती। भाजपा वालों के सारी बातें बेकार गई, 26 का दावा करते थे, मुश्किल से 25। मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं तो उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के विजय मामूली नहीं है। लाख, दो लाख, चार लाख तो आसान है, मुझे बताया गया कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+% यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया, 60%। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है, ये नई मिसाल है भाई। और इतना ही नहीं, मुझे असेंबली के उपचुनाव थे, अपने यहां जो दूध बेचने वाला आता है ना, तो 1 लीटर दूध लेने के बाद वो जो गृहिणी होती ना, दूध वाले अरे थोड़ा ऊपर दे दो तो वो थोड़ा दाम देता है, डालता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर कहते हैं चल थोड़ा दो मिर्ची कोसमी डाले, दो डाल देता है ना। तो गुजरात के लोगों ने 7 असेंबली के उपचुनाव थे जिसमें 6 कांग्रेस की सीटें थी, 1 भाजपा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस से उसमें से भी 3 छीन करके हमको दे दी, 7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में भी दे दी, और 3 इसलिए रखी है कहीं उनको तकलीफ न हो। भाइयों बहनों, ये चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आज मीडिया रिपोर्ट क्या थे, टीवी डिबेट क्या था, उसके मुझे पता नहीं है। इसलिए अगर ये बात आ गई हो तो जिन्होंने भी इस बात को उजागर किया होगा मैं उनका अभिनंदन करता हूं।